हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ कोमल सिंह। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीआई टैग के बारे में। 2019 और 2020 में किस किस स्टेट को कौन कौन सा जीआई टैग मिला है, आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीआई टैग्स और स्टेट्स को बताने से पहले मैं आपको कुछ इनसे जुड़े इम्पॉर्टेंट बातें बता देती हूँ, ताकि एग्ज़ाम में इसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो जीआई टैग क्या होता है फ्रेंड्स? जीआई टैग का मतलब है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, ये इसका टैग लाइन है। जीआई टैग WTO के द्वारा जारी किया जाता है। किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले विशेष वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य को दे दिया जाता है। जीआई टैग मिलने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में उस प्रोडक्ट का प्राइस और वैल्यू दोनों ही बढ़ जाता है। जीआई टैग 10 साल के बाद रिन्यू होता है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको बताई है। एग्ज़ाम में अगर कुछ भी इससे जुड़े क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसमें गलती ना करें। अब हम बात करेंगे जीआई टैग्स और स्टेट्स के बारे में। इदू मिशमी टेक्सटाइल, ये टेक्सटाइल है और इसे अरुणाचल प्रदेश का जीआई टैग दिया गया है। काजी नेमू को असम का जीआई टैग दिया गया है। काजी नेमू एक तरह का नींबू है और ये असम से बिलोंग करता है। गोवा का जीआई टैग खोला चिली है, खोला चिली यानी मिर्ची। गुलबर्गा तुर दाल कर्नाटक का जीआई टैग है। गुलबर्गा तुर दाल मतलब ये एक तरह का दाल है। टिरुर बिटल लीफ, ये केरला का जीआई टैग है। टिरुर बिटल लीफ का मतलब पान का पत्ता होता है। फ्रेंड्स, आपको नाम जीआई टैग के साथ साथ उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए, अगर कुछ भी इसका मीनिंग भी पूछा जाए तो आप उसका करेक्ट आंसर दे पाओ। ओके, अब हम बात करेंगे अल्फोंसो मैंगो। अल्फोंसो मैंगो महाराष्ट्र का जीआई टैग है। कंधमाल हल्दी उड़ीसा का जीआई टैग है। उड़ीसा का एक तरह का हल्दी होती है, उसे कंधमाल हल्दी कहते हैं। कंडंगी साड़ी तमिलनाडु का जीआई टैग है। तमिलनाडु के कई सारे जीआई टैग हैं और मिज़ोरम के भी कई सारे जीआई टैग हैं। तो जिस स्टेट्स के एक से ज़्यादा जीआई टैग है, तो आप उसको सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में आपका एक भी ना छूटे। अब हम बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु का कोड़ाई कनल मलाई, ये जीआई टैग है। कोड़ाई कनल मलाई मतलब लहसुन होता है फ्रेंड्स। ओके, श्रीविल्लीपुत्र पालकोवा तमिलनाडु का जीआई टैग बना है। तिरुर बिटल वाइन, ये केरला का जीआई टैग है। रसगुल्ला ओडिशा का जीआई टैग है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि रसगुल्ला पहले वेस्ट बंगाल का जीआई टैग था, लेकिन रिसेंटली इसे चेंज कर दिया गया है। रिसेंटली ये ओडिशा को जीआई टैग मिला है रसगुल्ला का। ओके, तो आप एग्ज़ाम में इसमें गलती ना करें। कोल्हापुरी चप्पल को महाराष्ट्र का जीआई टैग दिया गया है। पालनी पंचमृतम तमिलनाडु का जीआई टैग है। पालनी पंचमृतम तमिलनाडु का एक मुरुगन मंदिर का अभिषेक प्रसाद है। ये प्रसाद केला, गुड़, गाय का घी, शहद और इलायची का मिश्रण है। हमारम हैंडीक्राफ्ट मिजोरम का जीआई टैग है। यह मिज़ोरम का हैंडीक्राफ्ट है, इसमें देखिए लिखा भी है। डिंडीगुल लॉक्स यानी डिंडीगुल के ताले को तमिलनाडु का जीआई टैग दिया गया है। मिज़ो पुंचाई को मिज़ोरम का जीआई टैग मिला है। पुआंचाई का मतलब होता है शॉल। ताओलो पुआन मिज़ोरम का जीआई टैग है। तालो पुआन का मतलब होता है फैब्रिक। चाउ मास्क पश्चिम बंगाल का जीआई टैग है, वेस्ट बंगाल का। ओके, कांचीपुरम सिल्क तमिलनाडु का जीआई टैग है। ये एक तरह का सिल्क है जिसे तमिलनाडु में कांचीपुरम सिल्क बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है और इसे तमिलनाडु का जीआई टैग दिया गया है।
तो फ्रेंड्स ये थे कुछ जीआई टैग्स और स्टेट्स जो 2019 और 2020 के थे। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं और कुछ भी आपको डाउट हो मुझसे पूछना हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।